हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी प्लेकेट्स कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे वीडियो के नीचे रेड बटन है, उस पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। ये देखिए, ये हमने कुर्ती काट के रखी हुई है। पहले हम इसका नेक कटिंग करेंगे। ये हम 2.5 इंच में निशान लगाएंगे, यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। ये देखिए, ये मैं 2.5 इंच पर चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई निशान लगा लिया है। और यहाँ हम शेप देंगे। कट कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से निशान लगाएंगे हम। ये हम 8.5 पर निशान लगाएंगे। आप चाहे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 9 इंच तक कर सकते हैं, मगर ज्यादा नहीं। निशान लगाया, ये देखिए, ये हमने 8.5 पर निशान लगा लिया। अब इसे हम कट करेंगे। ये देखिए, जो निशान लगाया बिल्कुल वहीं तक कट करना है हमें। अब हमें यहां से एक निशान थोड़ा तिरछा लगाना है हमें, इस तरह से, ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा एक कट लगाना है हमें, इस तरह से। ये देखिए, बहुत छोटा सा कट लगाया हमने। मैं खोल कर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। ये हम जब पट्टी ज्वाइन करेंगे इसमें, तो उसमें हमें आसानी होगी, इसलिए कट लगाया हमने। ये देखिए, अब हमने इसके लिए पट्टी कट कर ली है। एक पट्टी हमें जितने हम कट लगाया था 8.5 का, तो एक पट्टी हमें बिल्कुल 8.5 की ही काटनी है। और चौड़ाई इसकी मैंने 2.5 इंच ली है। ये देखिए, चौड़ाई इसकी 2.5 इंच ली है और लंबाई इसकी एक पट्टी की हमें 8.5 लेनी है, जो हमारी नीचे वाली पट्टी है। और ये इसकी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो ये 8.5 इतने 10.5 लिए, ये चौड़ाई इसकी भी 2.5 इंच लिए मैंने। तो चलिए, अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो पट्टी हमें 8.5 इंच की काटी थी, ये हमें इस साइड लगानी है। ये मेरा राइट साइड है, ये नीचे आनी चाहिए हमारी पट्टी, और ये वाली ऊपर से आएगी इस तरह से। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये बटन वाला जो हिस्सा है, ये बड़ी पट्टी लगेगी उस पर, ये वाली लेफ्ट वाली, और ये राइट वाली, ये नीचे आएगी। तो देखिए, बताती हूँ कैसे अटैच करनी है इस पट्टी को। हम ये सीधा हिस्सा है हमारी कुर्ती का, इसे हम इस तरह से नीचे रखेंगे, इस तरह से। और यहाँ हमें सिलाई लगानी है इस निशान तक, यहाँ तक हमारा कट है, वहां तक ये रख ली है। अब इसे हम इस तरह से पलटेंगे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये कट है हमें यहां तक ही लेना है, यहाँ हम डबल सिलाई कर देंगे, इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमने पट्टी ज्वाइन कर दी है। अब इसे हम सीधे करेंगे इस तरह से। अब जो पट्टी हमने जोड़ी थी, इसे हम सीधी तरफ पलटेंगे। जो ये सिलाई है, ये हमें इस तरह से निकलनी है। इसे हम इस तरह से करके थोड़ा दबा लेंगे। आप प्रेस भी कर सकते हैं इधर। अब आपको ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली है, जो हमें पट्टी पलटनी है, ये हमें इस तरह से नहीं पलटनी है, ये हमें इस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से करेंगे इसे हम, और ये इस तरह से करके इस सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, इस तरह से। अगर हम इसे इस तरह से पलटेंगे, तो ये हमारी पट्टी इसके नीचे नहीं आएगी, बाहर आएगी और यहाँ झोल पड़ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, ये इस तरह से करना है हमें। और फिर यहाँ से फोल्ड करके ये पट्टी हमें इसी सिलाई पर लानी है। ये देखिए, इस तरह से।
यहाँ हम सिलाई लगा देंगे, तो एकदम परफेक्ट आएगी हमारी पट्टी। देखिए ये पट्टी हमने ज्वाइन कर ली है, हम दूसरी पट्टी को ज्वाइन करेंगे इसमें। ये देखिए इसे भी हम इसी तरह से अंदर से इस तरह से रखेंगे और इसी पे भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे कट तक, सेम उसी तरह। ये कट तक सिलाई लगाएंगे इसमें भी हम। ज्वाइन कर लिए बड़ी वाली, देखिए अब इसे हम इस तरह सेम जैसे हमने वो करी थी, इसे भी हम इस तरह नहीं इस तरह नहीं पलटेंगे, इसे भी हम इस तरफ पहले आप थोड़ा दबा दें इसे, आप प्रेस भी कर सकते हैं, अच्छे से दब जाएगी प्रेस से। इस तरफ कर दिया हमने, अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हमें ये इस सिलाई के ऊपर नहीं लानी है, ये हमें थोड़ी सी बढ़ानी है पट्टी हमें, इस तरह से। ये देखिए ये वाली पट्टी थी, हमने हमने इसे फोल्ड करके इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाई थी नीचे वाली पट्टी पे, इसमें हमें ये फोल्ड करना है और इससे थोड़ी सी आगे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको, इस तरह से फोल्ड किया ये सिलाई हमने, ये इस तरफ इस साइड की और इसे हम इस सिलाई से थोड़ी सी आगे इस तरफ से अब यहाँ सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए अब जहां तक हमारी ये कट था, अब इसे हम नीचे दबाएंगे, जहां तक हमारा कटा वहां तक हम सिलाई को लाएंगे पहले अपनी मशीन को इस तरह से घुमाएंगे और नीचे वाली पट्टी को अंदर दबाते हुए एक सिलाई लगाएंगे तक, फिर इसे वापस ले जाएंगे हम वहीं। ये देखिए जो हमारा कट था वहां हमने यहाँ सिलाई लगा दी है, अब हम जो नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो इसे सीधा भी फोल्ड कर सकते हैं स्क्वायर में, वरना इस तरह से भी फोल्ड कर देते हैं, नॉक से बना देते हैं इस तरह से। देखिए ऐसे भी आप नॉक से बना सकते हैं या फिर आप सिंपल भी फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, वो आपकी मर्जी है। जितना आपको ये दबानी है नीचे वाली पट्टी आप मर्जी से दबा सकते हैं। ये मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, मैं 2.5 इंच तक दबाऊंगी नीचे वाली पट्टी को, बाकी ये खुला छोड़ूंगी ऊपर से। इस पट्टी को इस तरह से अलग कर देंगे। देखिए ये हमने अलग कर दिया नीचे वाली पट्टी और सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे ऊपर तक।
फिंगर एंड ये हमारी प्लेकेट तो बन करके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही अच्छे से बनी है, ये नीचे वाली पट्टी अच्छी तरह से इसके नीचे आ रही है पूरी तरह से। देखिए यहाँ आप बटन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।